भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से जुड़ी मांग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं परमहंस, और जगतगुरु परमहंस ने फिर दी है धमकी। सरयू में लूंगा जल समाधि, अलर्ट पर अयोध्या, पुलिस छावनी बनी तपस्वी छावनी और पीएससी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। छावनी में तैनात है परमहंस का दावा, मिलने आएंगे केंद्रीय प्रतिनिधि। तो आपको बता दें कि आज 12 बजे तक का वक्त दिया गया है जगतगुरु परमहंस की तरफ से, और उन्होंने कहा कि अगर मेरी मांग को पूरा नहीं किया गया तो फिर मैं जल समाधि ले लूंगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अयोध्या का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनमीत गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। मनमीत, फिलहाल क्या तस्वीर है वहां से, क्योंकि जो परमहंस है वो तो अपनी मांगों पर अभी अड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से परमहंस जो है वो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। उन्होंने 11 बजे का एक समय दिया है। उनका कहना है कि कोई केंद्रीय प्रतिनिधि है जो उनसे मुलाकात करेगा, हो सकता है सार्थक बातें हो। अगर सार्थक बातें नहीं होती हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने को लेकर अगर कोई सार्थक बात नहीं होगी तो वो 12 बजे तपस्वी छावनी से सरयू घाट के लिए मूव करेंगे, और 1 बजे का समय उन्होंने रखा है, 1 बजे वो सरयू घाट में जल समाधि लेंगे। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी जो तपस्वी छावनी है वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। पूरी तपस्वी छावनी जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। पीएससी के जवान वहां तैनात किए गए हैं, सिविल पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, एक सीओ लेवल के अधिकारी वहां पर तैनात किए गए हैं। और जिला प्रशासन ये जरूर कोशिश कर रहा है कि तपस्वी छावनी के महंत परमहंस आचार्य अपना हट छोड़ दें और वो जल समाधि ना लें। लेकिन इन सब के बीच में जो तपस्वी छावनी का महंत परमहंस आचार्य है, उसका कहना है कि वो किसी भी रूप में अगर इनको हाउस अरेस्ट भी किया जाता है तो वो भेष बदल के या इस तरीके से कोशिश करके वो सरयू घाट पे जाएंगे। बिल्कुल। तो मनमीत, जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि जिला प्रशासन उनको मनाने में जुटा हुआ था, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कोई केंद्रीय प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचता है उनको मनाने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।